चंद्रपुर में आए भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी की सिटी केबल समाचार से मुलाकात, आइए देखते हैं। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में क्रीड़ा और कला महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के बख्शीश वितरण समारोह में खास तौर पर सांसद सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी इन्हें आमंत्रित किया गया था। उनकी मधुर वाणी में गीतों की महफिल सजी। चंद्रपुर में इस कार्यक्रम के लिए आए सांसद सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी ने केवल समाचार से बातचीत करते अपने विचार रखे। देखिए, हमें पता है चंद्रपुर में बहुत उत्तर भारतीय लोग रहते हैं और महाराष्ट्र की यही खूबी है कि यहाँ पे जो अन्य प्रांतों के लोग आते हैं उनको भी लोग बहुत प्रेम से मिलजुल के सब लोग रहते हैं, और जो उत्तर भारतीय लोग होते हैं वो लोग बड़े ही श्रम भाव से, मेहनत करने के भाव से और रोजी रोटी के लिए अपने गांव घर से आते हैं। और उनकी खासियत और है उत्तर भारतीय लोगों की कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ की कल्चर में रच बस जाते हैं। तो ऐसे में आज मैं पहली बार चंद्रपुर आया हूँ। मुझे हंसराज अहीर जी ने, जो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं और वो हमारे दिल्ली के इंचार्ज भी हैं, हम लोग दिल्ली के अध्यक्ष हैं तो सांसद हैं, उस नाते भैया से बहुत मेरा संबंध रहता है, तो उन्होंने आज मुझे बुलाया। इसी बहाने में बहुत लोगों से मिलूँगा जो चंद्रपुर के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं और नॉर्थ इंडियन भी हैं। तो इन सभी लोगों के बीच मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोग अपने मेहनत से आगे बढ़ें और सब कुछ अपनी रोजी रोटी के साथ साथ थोड़ा सा देश के लिए भी विचार करते रहें कि जो देश में सरकार हो वो ऐसी हो जो सबका सम्मान करती हो। ऐसे लोगों को दूर रखना है जो कहीं जातियों में, कहीं प्रांत पे अटैक करवा के कहीं इधर उधर अपनी उल्लू सीधा करते हैं, वैसे लोगों को हटा कर जो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता है उसको लाना है। इस भावना से आया हूँ, गीत भी सुनाऊंगा और मैं म्यूजिकली आया हूँ आज, क्योंकि हंसराज अहीर भाई जैसा काम कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से पूरे देश की समस्याओं को डील कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत प्राउड है। और चंद्रपुर से वो हमेशा यहाँ के नेतृत्व करते रहे, इस नाते में आज गीत भी गाऊंगा, उनके लिए लोगों से विनती भी करूंगा और सबसे नहीं भी मिल पाया तो आप लोगों के चैनल के मार्फत सबको प्रणाम करता हूँ। हम सही दिशा में बड़ी साफ नीयत से काम कर रहे हैं। कभी हमको सिनेमा के एक्टर के रूप में लोगों ने पसंद किया, लोग गाना सुनल हमारा सिनेमा देखल, तो आज हम चंद्रपुर में रहे वाले सब लोगों के प्रणाम करते और आप सब लोग मिलजुल कर भारत माता की जय कैसे हो इस पे काम करें।